आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो भी हमारे छात्र को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देने वाले हैं कल परसों या फिर आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी को मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर में चाहे बीए के छात्र हो चाहे बीएससी के चाहे बीकॉम कॉम को सभी को एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस इसकी परीक्षा आप सभी को देनी ही देनी होती है आप सभी को मालूम है तो इसी से जुड़े करीब करीब आज की इस वीडियो में थ्री क्वेश्चन एंड आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि तीन क्वेश्चन आंसर ठीक है तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली और इन सभी का पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर और साथ साथ में पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगी लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन जान लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो कि आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडारण ठीक है भंडार में रख सकता है तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं ये बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन को ठीक है अधिक मात्रा में सेव कर सकता है ठीक है तो उसको क्या कहेंगे या फिर आप लोग कह सकते हैं उसको अधिक मात्रा में ठीक है मेमोरी में रख सकता है वो कौन सा भंडारण या फिर कौन सी स्टोरेज डिवाइस है तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे उसको आप लोग क्या बोलेंगे उसको चिप बोलेंगे ना क्या बोलेंगे चिप बोलेंगे जिसमें आप बहुत सारे डे डेटा को आप लोग उसमें डाल सकते हैं मेमोरी में आप लोग या चिप चिप में ठीक है या फिर आप डिस्क में डिस्क में भी कह सकते हैं तो इसलिए प्रश्न का उत्तर आप लोग सिलेक्ट करेंगे आ और बा दोनों ठीक है हार्ड डिस्क मान लीजिए यहाँ पर हार्ड डिस्क होगा तो ज़्यादा प्रेफर होगा हार्ड डिस्क और चिप में दोनों में आप बहुत ज़्यादा डेटा गाना सॉन्ग मूवी आप बहुत ज़्यादा स्टोर कोई इन्फॉर्मेशन कोई सूचना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है और आ और ब दोनों में ठीक है हार्ड डिस्क और चिप ओके और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपकी जो परीक्षा होगी को करिकुलर सब्जेक्ट की ठीक है और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कई तरीके के आएंगे कुछ मैथमेटिक्स मैथ ठीक मैथ, है मैथ के क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से कुछ रीजनिंग के होंगे कुछ कंप्यूटर के होंगे ठीक है और कुछ आप लोगों के ठीक है जैसे कि मान लीजिए एक अप्रैल को एक अप्रैल 2010 को सोमवार था तो एक अप्रैल 2024 को ठीक है ए, कौन सा दिन होगा ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे ठीक है तो कई तरीके के प्रश्न आएंगे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े होंगे कुछ इंटरनेट से जुड़े होंगे इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है इस तरीके के प्रश्न आएंगे और लगभग लगभग सभी प्रश्नों का हमने इस वीडियो में इंक्लूड मतलब कर दिया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हमारे छात्र नामात्र की तैयारी की है या फिर उनके पास सीरीज नहीं है क्वेश्चन बैंक नहीं है ठीक है उनके लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क है तो मैग्नेटिक डिस्क मतलब जिम्मे चुंबक वाली

सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ठीक है ट्रांसलेशन ठीक है सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट सही उत्तर इसका हो जाएगा इंस्टॉलेशन In बोलते हैं ठीक है इंस्टॉलेशन In ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर आप लोग क्या करते इनस्टॉल In या फिर आप लोग इंस्टॉल और करते नहीं कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते नहीं हैं जब मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल जब ख़रीदते हैं नया नया तो उसमें मान लीजिए कि फेसबुक नहीं है ठीक है या फिर इंस्टाग्राम नहीं है तो उसको आप कहाँ जाएंगे? प्ले स्टोर पर जाके क्या करते हैं उसे डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करने के बाद वो क्या करता है डाउनलोड होने के बाद वो बोलता है भैया इसको क्या करिए आपके जो मोबाइल उसमें इंस्टॉल करिए तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे ठीक है कुछ दिन के बाद आपको लगा कि भैया ये हमारे काम के नहीं है इंस्टाग्राम हमारे काम कर रहे हैं तो उसको आप लोग क्या करेंगे अनइंस्टॉल कर देंगे मतलब आपके मेमोरी से अपने मोबाइल से हट जाएगा ठीक है तो ये प्रक्रिया होती है अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है ठीक है तो जो कंप्यूटर होता है उसमें कौन सी मेमोरी जो होती है वो सो होती है इन ऑप्शनों में से तो उसका नाम है रैम रैम का पूरा नाम अगर आ जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है कंप्यूटर में जो मेमोरी दर्शाता है इन ऑप्शनों में से वो सही उत्तर होगा रैम और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम इस बात को ध्यान रखेंगे रैंडम आएगा प्रश्न पक्का ठीक है एक्सेस ठीक है एक्सेस मेमोरी ठीक है ये होता है पूरा नाम रैम का ओके याद रखेंगे अगला प्रश्न है कि भैया प्राइमरी मेमोरी को और भी किस नाम से जाना जाता है तो प्राइमरी मेमोरी को ठीक है हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा स नंबर यहाँ पर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा मेन मेमोरी ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्न है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्ट सिस्टम में प्रयुक्त होती है यानी कि जो ओ होता है जिसको पूरा नाम ओ का पूरा नाम पता आप लोगों को क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए यूज होता है शॉर्ट भाषा में ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयुक्त होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रयुक्त होता है वो है रैम ठीक है रैम मेमोरी याद रखेंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा आ नंबर ओके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे अगला प्रश्न है भैया कि कंप्यूटर डेटा ठीक है गैदर करते हैं इसका अर्थ है कि ये यूजर को डेटा करने देते हैं मतलब ये इतना महत्वपूर्ण इसे इग्नोर ही कर दे रहे हैं ठीक है इसलिए हम अगला है कि डॉट 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 ठीक है इस प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को ठीक कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर जो भरा जाएगा याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर भरा जाएगा ठीक है रोम ठीक है रोम एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी होती है अस्थाई का मतलब ये हो गया वो पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ड रहती है जैसे कि आपके मेमोरी में पहले से मान लीजिए कि जैसे कि एक मो 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 मोबाइल का स्टोरेज ठीक है रैम को एक तरीके से मान लीजिए ठीक है मोबाइल की स्टोरेज डिवाइस और अस्थाई मेमोरी का मतलब हो गया जैसे कि आप मोबाइल में अपने बाहर से मेमोरी लगाएँ ठीक है वो चीज़ ठीक है तो सही उत्तर से हो जाएगा क्या दा नंबर भरा जाएगा रोम रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्न है कि फिलाफी डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस की दर तेज़ होती है कम होती है फास्ट होती है वो आपको बताना है ठीक है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द बहुत तेज़ ठीक है एक तरीके से ये महासंग्राम वीडियो होने वाली है और महासंग्राम वीडियो है भी क्योंकि इसमें तीन सौ से भी अधिक क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि पिछले जो हमारे बहुत सारी वीडियो ने उन सभी का मैंने कंबाइन पूरा महासंग्राम बना दिया है ठीक है और अगला प्रश्न है भैया कि ओनली रीडेबल मेमोरी होती है ठीक है यानी जिसमें हम किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं बस उसमें से ना कॉपी कर सकते हैं ठीक है और ना इसको हम एडिट कर सकते हैं तो री ठीक है ओनली रीडेबल मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है इन आपसर में से चलिए से, से बताइए आप सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी रोम ठीक है तो सी डी रोम में ये होता है कि आप लोग उसको रीडेबल मतलब रीड मतलब कोई चीज़ डेटा लिखा तो उसको पढ़ सकते हैं उस पर मिटा सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं ना उसको कॉपी कर सकते हैं इसलिए इसको बोला जाता है रीडेबल मेमोरी ठीक है ओनली रीडेबल मेमोरी ठीक है कि मात्र आप उसे पढ़ सकते हैं बस ओके अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है जहाँ पर कंप्यूटर मान लीजिए कोई है ठीक है तो उसमें मान लीजिए जो आप मेमोरी सॉरी कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में जहाँ पर आ, गाना मूवी एग्जाम्पल के लिए ये आपको समझने में आसानी रहता है गाना मूवी ठीक है और भी वीडियो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके फाइल मार्कशीट ये सभी आप लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो जहाँ पर ये सब रखा जाता है उसे क्या कहते हैं तो सही उत्तर बताइए क्या होगा आप लोग कबिट सेक्शन में कहेंगे मेमोरी या फिर आप लोग कह सकते हैं हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन होगा कहीं हार्ड डिस्क तो आप लोग हार्ड डिस्क भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर मेमोरी तो मेमोरी सेलेक्ट करेंगे अगला कि सी डी रोम का पूरा नाम क्या है भैया तो सी डी रोम का पूरा नाम होता है याद रखेंगे कैंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ठीक है सी से कम्पैक्ट डी से डिस्क आर से रीड और ओ से ओनली और एम से मेमोरी होता है ठीक है तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम का पूरा नाम यानी कि फुल नेम होता है ठीक है अब अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कि मैंने आपको बताया था ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर रैंडम एक्सेस मेमोरी ओके अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में जो मुख्य मेमोरी होती है वो क्या होती है इन ऑप्शनों में से तो ध्यान रखेंगे भीतरी ठीक है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है वो भीतरी यानी कि अंदर होती है ठीक है भीतर होती है सी में ठीक है कंप्यूटर में अगला प्रश्न है कि फलाफी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है ठीक है तो जो फलाफी डिस्क है ठीक है ये जिस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है ये जिस प्रकार की मेमोरी है उसका नाम है एक्सटर्नल मेमोरी क्या है एक्सटर्नल एक्सटर्नल और ठीक है इंटरनल और एक्सटर्नल आपने नाम तो सुना होगा ना तो ये एक्सटर्नल टाइप की मेमोरी है ठीक है उसी से संबंध है इसका अगला प्रश्न है कि भैया मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है मतलब कि रैम सॉरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है तो रैम जो है वो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी एग्जाम में आ चुका है कई बार ठीक है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है ना कि इसी के लिए ठीक है अगला कि मेमोरी शब्द किससे से संबंधित है तो मेमोरी जो शब्द है वो संबंधित है किससे बताइए कमेंट सेक्शन में आप सभी सही उत्तर इसका हो जाएगा कम ये जो है वो भाई स्टोरेज से संबंधित है क्योंकि आप लोग किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं ठीक है थीके? रख सकते हैं सेव कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर स्टोरेज से है ओके अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया हार्ड डिस्क को ठीक है कौन से स्टोरेज माना जाता है तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे हार्ड डिस्क को ठीक है हार्ड डिस्क ड्राइव को ठीक है हम लोग नन वोला टाइल मेमोरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं ध्यान से सुनेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोला टाइल स्टोरेज माना जाता है ठीक है सही उत्तर ब नंबर हो जाएगा याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ठीक है अगला है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखता है उसे क्या कहते हैं ठीक है यानी कि मान लीजिए कि आप लोग कंप्यूटर चला रहे हैं अचानक से लाइट चली गई ठीक है तो लाइट जाने के बाद ठीक है ठीक है तो जो आपका डेटा होता है वो ठीक है कहाँ पर स्टोर होता है फिर वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर होता है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो होता है नॉन वोला स्टोरेज ठीक है कौन सा सही उत्तर होगा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज यानी कि नंबर से उत्तर अगला प्रश्न है कि सी किस प्रकार की मेमोरी है ठीक है तो जो सी है ध्यान रखेंगे सी एक प्रकार की सहायक मेमोरी है ठीक है ठीक है क्या है सहायक मेमोरी है क्योंकि सी क्या होती है आप लोग बाहर से भी उसको यूज कर सकते हैं बाहर से भी लगा सकते हैं ठीक है और उसको बाद में निकाल भी सकते हैं इसलिए सहायक भी कह सकते हैं ठीक है और ये ज़रूरत के हिसाब से होती है उसके बाद आप निकाल सकते हैं अगला प्रश्न है भैया कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े होते हैं उनको कंप्यूटर में ठीक है स्टोर कर सकता है ठीक है तो वो क्या कहलाता है तो उसका नाम है चुंबकीय टेप ठीक है चुंबकीय टेप के माध्यम से जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है कोई वस्तु यहाँ पर है तो अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये भी चुंबक है ये भी चुंबक है और गैपिंग इतनी है तो जैसे जैसे आप चुंबक को आगे बढ़ाएंगे वैसे से जब एक समय आएगा कि एकदम छो, छोटी फी इतना स्पेस बचेगा तो ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा ऑटोमेटिक ठीक है चुंबक एक दूसरे चुंबक से तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि वो एक प्रकार का चुंबकीय टेप होता है ठीक है जिसके माध्यम से आंकड़ों की बहुत सारी मात्रा को भंडारण कर दिया मतलब कि स्टोर किया जा सकता है तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आ नंबर ठीक है याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें यदि यहाँ पर डिस्क की बात हो रही है अगर यहाँ पर डिस्क हार्ड डिस्क हो ठीक है डिस्क की जगह हार्ड डिस्क हो ठीक है तो यहाँ पर सिलेक्ट जो प्रश्न आपका उत्तर करेंगे वो करेंगे सा नंबर ठीक है क्योंकि हार्ड डिस्क में भी आप लोग डेटा स्टोर करते हैं और चुम्बकीय टेप में भी करते हैं ठीक है तो सही उत्तर इसका माना जाएगा आ और बा दोनों लेकिन यदि यह यहाँ पर हार्ड डिस्क लिखा है तो हार्ड डिस्क लिखा है तो ठीक है अगला प्रश्न है भैया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में जी यू आई तथा सी यू आई दोनों गुड़ विद्यमान रहते हैं ठीक है किस में विद्यमान रहते हैं इन अफसरों में से तो विंडोज विंडोज में आप लोग किसी चीज़ को ग्राफ बेस में फ़ोटो बेस में भी देख सकते हैं और किसी चीज़ को मान लीजिए शब्द कुछ होते हैं या फिर कुछ डेटा होता है उसको आप करेक्टर बेस में भी देख सकते हैं तो दोनों का कम्युनिकेशन होता है इसलिए इसको हम विंडोज कहेंगे ये जो प्रक्रिया है विंडोज में ही आप कर सकते हैं ठीक है और एम एस डोस होता है इसमें सिर्फ आप करेक्टर लिख सकते हैं बस इसमें कुछ आप फोटो शोटो नहीं देख सकते ठीक है अगला प्रश्न है कि भैया कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलता किस प्रकार या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है इन ऑप्शनों में से तो सिंपल सा उत्तर भैया संचार यानी कि, कि किसी चीज़ से आप बात कर सकते हैं ठीक है तो ये सिंपल सा संचार 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 का मतलब ही होता है बातचीत ठीक है एक दूसरे से ठीक है किसी माध्यम से वो भी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर मोबाइल से हो सकता है टेलीफोन माध्यम से होता है किसी भी माध्यम से हो सकता है ओके अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है कौन सा इन अफसरों में से ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं इन अफसरों में से वो है द नंबर सुपरवाइज़र ठीक है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के सब भाग लिंकर भी है बायोस भी है ठीक है और बोटिंग होल्डर भी है सुपरवाइज़र नहीं बाकी सही उत्तर आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है ठीक है द नंबर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है कि थ्री पॉइंट फाइव इंच की भंडार क्षमता होती है किसमें बताइए कमेंट सेक्शन में सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया सा वन पॉइंट फोर फोर एम बी अगला क्वेश्चन की सूचना को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने ठीक है ले जाने व वा उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है इन अफसरों में से तो ये जो सब काम है ठीक है ये वाला प्रोसेस इसका वो उसका काम होता है पता है किसका काम होता है ये होता है डेटा बेस का ठीक है तो डेटा बेस का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना यूनिट से और दूसरी यूनिट से वापस लाना ठीक है यानी कि कुल मिला के आना जाना और बीच का जो प्रोसेस होता है ठीक है यही कराता है अगला है कि निम्न में से कौन सत्य है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें निम्न में से जो सत्य है वो है रोम में अस्थिक है। रोम में प्रोग्राम अस्थाई होता है जो कि डिलीट नहीं होता है ठीक है बाकी सब ऑप्शन गलत है फ्लैश में प्रोग्राम अस्थाई होते ये भी गलत है सी रोम में दोबारा लिखा जा सकता है तो आप सभी को मैंने बताया कि ये रीडेबल मेमोरी होती है मतलब इसमें सिर्फ आप लिख सकते हैं इसमें आप लोग दोबारा नहीं लिख सकते ना एडिट कर सकते ना कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए ये भी यहाँ पर गलत होगा तो सत्य है रोम रोम क्या है एक अस्थाई मेमोरी जिसमें आप लोग डेटा अपने आने वाले समय तक कभी भी तक सेव रख सकते हैं जब तक आप उसे डिलीट ना करें या फिर कोई सिस्टम में समस्या ना आए तब तक ठीक है अगला प्रश्न है कि भैया निम्न में से कौन रैम नहीं है देखिए ध्यान से सुनेंगे इन में से जो रैम कौन सी नहीं वो आपको बताना है तो रैम जो है पी रैम नहीं है बाकी डायनेमिक भी रैम है स्टैटिक भी रैम है ठीक है और प्लेस भी एक प्रकार की रैम है ठीक है अगला प्रश्न कह रहा कि जब आप कंप्यूटर में यानी कि पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं या फिर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट है और आप सैलरी स्लिप जो है उसको बना रहे हैं मतलब कि सैलरी बना रहे हैं ठीक है ठीक है कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट आफ थाई रूप से कहाँ स्टोर होता है जब सैलरी स्लिप बना रहे हैं मान लीजिए तो वो कहाँ पर स्टोर होता है आफ थाई रूप में ठीक है तो वो होता है रैम में ठीक है रैम में आफ थाई रूप में होता है अगर आप उसे सेव कर लेंगे तो रोम में आ जाएगा अगर नहीं सेव करते तो रैम में ही रहेगा अगर लाइट चली गई तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा अगर आपने सेव कर लिया है तो रोम में चले जाएगा तो वो लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होगा ठीक है ध्यान रखेंगे अगला कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है तो सिंपल सा उसका उत्तर था क्या है द नंबर ठीक है दो होती हैं एक मेन मेमोरी ठीक है ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार पहले मैं आपको बता दूं मेमोरी दो प्रकार की होती है कंप्यूटर में ठीक है ध्यान से सुनेंगे एक होती है अस्थाई एक होती है अस्थाई ठीक है बाकी आप इसी तरह समझेंगे इसको ठीक है अगला प्रश्न एक भैया कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है कौन सी तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है इन ऑप्शनों में से वो है भैया कौन सी कौन सी बताइए इन ऑप्शनों की बात हो रही ना तो एल है ना तो कंट्रोल का संकलन ना पाओ से सही उत्तर इसका हो जाएगा रैम रैम एक स्टोरेज डिवाइस है इन ऑप्शनों में से इस बात को भी ध्यान रखेंगे ठीक है आगे प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं तो परिचालन प्रणाली का जो अवयव है वो सेल भी है कॉर्नर भी एप्लीकेशन टूल्स भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करते हैं तो स्टार्ट मेनू का मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटर का डिस्प्ले सबसे कॉर्नर में एक गोल्फा फर्किल होता है ठीक है उसको हम लोग स्टार्ट मेनू के नाम से जानते हैं ठीक है तो स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करता है क्या करता है तो भैया वो लॉग ऑफ यानी कंप्यूटर को वहाँ से कॉल भी मतलब कि रिस्टार्ट भी कर सकते हैं कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं ठीक है आप कई सारी प्रक्रिया कर सकते हैं ओके अगला कि टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है ठीक है टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है कहाँ पर तो आपकी जानकारी के बता दें निचले हिस्से में कंप्यूटर ऐसा होता है और एक पट्टी होती है कंप्यूटर के सबसे नीचे उसको ही बोलते हैं टास्क बार इस बात को ध्यान रखें ठीक है और इसी तरह आपको ये जो वीडियो में जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उनके सामने उसका उत्तर भी लिखा जैसे कि माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं तो माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें हम पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं ठीक है तो उसका उत्तर भी लिखा आ नंबर आगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं करीब करीब इस वीडियो में तीन से भी अधिक प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर उसके आगे लिखा ऊपर जितने भी प्रश्न थे उसके उत्तर नहीं थे तो उसका उत्तर मैंने बता दिया है बाकी आगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर उसके सामने लिखा है आपको कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ठीक है तो सभी का उत्तर आपको इस पी में ही मिल जाएगा और ये पी आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए इस पी को प्राप्त करने के लिए आप अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रप्सन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया उस पर आप हमें ज्वाइन हो जाइए ज्वाइन होने के बाद आप हमें मैसेज करेंगे तो ये पूरी की पूरी पी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे यानी कि आपको सेंड कर देंगे तो इसमें दिए गए क्वेश्चन का उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे ये फिर सारे क्वेश्चन यही वाले आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में कुछ कहा नहीं जा सकता ठीक है रिटर्न वाले में तो गारंटी ले लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में कुछ कहा नहीं जा सकता है और कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी ठीक है इस बात को भी ध्यान रखेंगे ठीक है और मैं आपकी जानकारी के बता दूँ परीक्षा देने जाइएंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देकर आइएगा क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है ठीक है कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा ठीक है और हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटियों में हेल्प भी हो जाती है लास्ट मोमेंट पर लेकिन हो सकता है कि ना हो तो आप लोग अपने हिसाब से रेडी रहिएगा जय हिंद